नमस्कार, पंजाब किसी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा जी। दर्शकों, मौसम अपडेट के साथ लाइव जुड़े हैं और आज आपको बताएंगे कि किस तरीके का मौसम है और कितने दिन मौसम जो है वो ख़राब बना रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आज की। तो आज आप देख रहे हैं अच्छी धूप के साथ दिन की शुरुआत जो है वो हुई है और इसके बाद कल की बात करें यानी कि कल 21 मार्च से 24 मार्च तक की बात करें तो मौसम जो है वो ख़राब बना रहेगा, यानी कि बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि 4 दिन मौसम जो है वो ख़राब बना रहेगा। तो देखिए, ये पश्चिमी जो विक्षोभ है उसकी सक्रियता के चलते मौसम में बदलाव जो है वो आया है। तो वहीं अगर कल की बात करें यानी कि मंगलवार की बात करें तो कल भी राजधानी शिमला सहित अगर सोलन और बिलासपुर की बात करें तो वहां पर भी बारिश जो है वो ओलावृष्टि के साथ हुई है। तो देखिए, नीचे जो क्षेत्र है वहां पर भी बारिश बर्फबारी हुई है, हालांकि केवल बिलासपुर, सोलन और शिमला में ही बारिश हुई है, लेकिन अगर बात करें कांगड़ा, धर्मशाला की तो वहां पर मौसम जो है वो साफ बना हुआ था। इसी बीच बात करें आज की, तो आज देख सकते हैं मौसम पूरी तरह से साफ है और धूप निकलने जो है वो शुरू हो गई है। फिलहाल ये देख पा रहे हैं धुराधार की पहाड़ियाँ और लगातार जिस तरीके से धूप पड़ रही है वैसे वैसे पारा भी जो है वो चढ़ता जा रहा है और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ का भी पारा अधिक जो है वो हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से बात करें मौसम की कल की, तो कल से 4 दिन बारिश और बर्फबारी का असर जो है वो बताया गया है। इसी बीच क्योंकि कल भी बूंदाबांदी हुई है, ओलावृष्टि हुई है, आपने देखा भी होगा, और इसी बीच 21 से 24 मार्च तक कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के जो है वो आसार मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। वहीं मंगलवार को शिमला समेत कई दिन भर हल्के बादल जो है वो छाए रहे। वहीं अगर हम कांगड़ा की बात करें या धर्मशाला की बात करें तो दिन में ज़रूर बादल जो है वो छाए थे, लेकिन बादल छाने के बाद जो है वो धूप खिली थी। वहीं अगर हम बात करें सड़कों और बिजली ट्रांसफार्मरों की तो वो भी कहीं ना कहीं बंद है, क्योंकि पहले भी बारिश और बर्फबारी हुई थी उसके चलते भी जो सड़कें हैं वो भी बाधित हुई थी। इसके साथ अगर हम बात करें बिजली ट्रांसफार्मरों की तो वो भी अभी तक जो है वो ठप पड़े हैं। वहीं अगर बात करें 249 सड़कें और 42 बिजली ट्रांसफार्मर जो है वो अभी भी ठप है। बात करेंगे हम लाहौल स्पीति जिला में 14, चंबा में 19, किन्नौर में 8, कुल्लू में 1 बिजली ट्रांसफार्मर जो है वो बंद होने के चलते कई क्षेत्रों में अंधेरा जो है वो पसरा हुआ था। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बुधवार रात से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से 21 मार्च को पूरे प्रदेश और 22 मार्च को मध्य व उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जो है वो लगाया गया है। इसी बीच 23 और 24 मार्च को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा, मौसम खराब बने रहने की संभावना जो है जताई गई है। वहीं अगर 25 मार्च की बात करें तो 25 मार्च को मौसम जो है वो एकदम साफ जो है वो बना रहेगा, धूप जो है वो खिली रहेगी। इसी के बीच अगर अभी भी बात करें तो केलांग में जो न्यूनतम तापमान है वो भी -5 डिग्री जो है वो है। तो देखिए, कई क्षेत्रों में अभी भी ट्रांसफार्मर जो है वो ठप चले हुए हैं, सड़कें जो है वो बाधित हैं, तो राहत जो है वो अभी भी नहीं लोगों को मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी हुई थी उस तरीके से सड़कें भी बाधित थी और बिजली ट्रांसफर जो कि अभी भी जो है वो बंद चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं राहत जो है वो अभी भी लोगों को जो लाहौल स्पीति, किन्नौर के हो गए उन्हें अभी तक भी नहीं है। और इसी बीच अगर हम बात करें मौसम अपडेट की तो कल से फिर मौसम जो है वो खराब बना रहेगा। भारी बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से लगाया गया है और ये भी बताया गया कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रियता के चलते ये मौसम में बदलाव जो है वो
लाया गया है। तो देखिए जिस तरह से अब क्योंकि मार्च का महीना भी खत्म होने वाला है, जिस तरीके से गर्मियां पड़ती थी या बसंत ऋतु की बात करें, तो ये जो मौसम में बदलाव हुआ है उसी के चलते ये चीज़ें जो है वो अब देखने को नहीं मिल रही है मौसम, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो पारा भी बढ़ने शुरू हुआ था लेकिन फिर से मौसम जो है ठंडा हो गया है। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले कल यानी कि मंगलवार को बिलासपुर, राजधानी शिमला हो गया, सोलन हो गया, सोलन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ओलावृष्टि के साथ बारिश जो है वो हुई है, तो बारिश जो है वो ज़रूर हुई है और ठंडक भी ज़रूर मिली होगी क्योंकि जिस तरीके से धूप पड़ने शुरू हुई थी उस तरह से जो है तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई थी। तो फिलहाल अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में कल भी हल्के बादल जो है वो आए थे और उसके बाद मौसम एकदम से साफ जो है वो हो गया था। देखिए मौसम अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं और किस तरह का मौसम है, क्योंकि आज भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सुबह तो मौसम साफ रहता है, धूप अच्छी खिली रहती है, लेकिन अगर हम बात करें दोपहर के बाद की तो बादल जो है वो आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसमें बदलाव जो उसकी सक्रियता है उसके चलते मौसम में ये बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज से मौसम फिलहाल साफ जो है मौसम विभाग की ओर से अनुमान लगाया गया है और अगले चार दिन यानी कि 21 से 24 मार्च तक मौसम जो है वो फिर से करवट बदलने वाला है। बारिश बर्फबारी जो है फिर से होने वाली है पहाड़ों पर और मध्य पर्वतीय अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी बारिश जो है वो बताई गई है। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें और हालांकि इस वक्त अच्छी धूप खिली है और ये धूलाधार की पहाड़ियां आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि जिस तरीके से धूप पड़ने अब शुरू हुई है, मौसम में बदलाव आया है, बर्फ भी धीरे धीरे जो है वो पिघल रही है, लेकिन इसी बीच अब फिर से मौसम ने करवट जो है वो कल से बदलने वाला है क्योंकि बारिश और बर्फबारी जो है वो होने वाली है। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें जो है वो बढ़ने वाली हैं। लाइव तस्वीरें ये देख पा रहे हैं धूलाधार की पहाड़ियाँ और मौसम अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह का मौसम आज बना हुआ है, आगामी आने वाले दिनों में किस तरीके का रहने वाला है। सड़कें अभी भी अडप है और ट्रांसफार्मर भी जिनका विद्युत बोर्ड की ओर से अभी भी कार्य जो है वो किया जा रहा है ताकि लोगों को अंधेरे में ना रातें बितानी पड़े। आज की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में मौसम जो है वो एकदम साफ बना रहेगा यानी कि धूप खिली रहेगी और धूप से ही दिन की शुरुआत फिलहाल हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कल मौसम जो है वो ख़राब रहने वाला, देखिए कल से बारिश और बर्फबारी का जो पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है तो कहा यह गया है कि चार दिन मौसम जो है वो प्रदेश भर में ख़राब रहने वाला है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं धूप जो है वो निकल आई है और मौसम एकदम से साफ है। ये तस्वीरें मौसम अपडेट के साथ हर रोज़ हम आपके साथ जानकारी जो है वो साझा करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके का प्रदेश भर का हाल है और मौसम का हाल है। और इसी बीच
दर्शकों का भी सहयोग जो है वो रहता है, किस तरह का उनके जो क्षेत्र है वहाँ पर कैसा मौसम है, तमाम जानकारियाँ हमें भी यहाँ से मिलती रहती है। तो देख पा रहे हैं ये मौसम अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं कि कल से मौसम जो है वो फिर से करवट बदलने वाला है। हालांकि पिछले कल भी बारिश जो है वो हुई थी, ओलावृष्टि भी हुई थी, और कहीं ना कहीं फिर से जो पारा बढ़ रहा था, जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, कहीं ना कहीं राहत जो है वो ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम बात करें ऊना की, तो देखिए अभी से ही ऊना का जो पारा है वो 30 डिग्री तक पहुंचने शुरू हो गया है। अब इसी बीच जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि 21 से लेकर 24 तक मौसम जो है वो ख़राब बना रहेगा, इसी बीच कहीं ना कहीं जो निचले एरियाज़ है, जो मैदानी क्षेत्र है, उन वहाँ के लोगों को राहत देखिए ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, केलांग हो गया, यहाँ के लोगों के लिए जो उनकी दिक्कतें जो है वो ज़रूर बढ़ने वाली है। क्योंकि बारिश और बर्फबारी लगातार इस तरीके से अगर 4 दिन होती रहती है तो उनकी दिक्कतें जो है वो बढ़ती रहेंगी। और ऐसे में जो है अगर हम मैदानी क्षेत्रों के लोगों की बात करें, उन्हें राहत जो है वो मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें, देखिए जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी जो है वो हो रही है, जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, वीकेंड की अगर हम बात करें तो देखिए टूरिस्ट जो प्लेस है वहाँ पर जो पर्यटक है उनकी भी बढ़ोतरी जो है वो, उनकी आवन में भी बढ़ोतरी जो है वो हुई है। और वीकेंड में अगर हम बात करें होटलों की, तो वो भी 60-70% ऑक्यूपेंसी से फुल जो है वो हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से मौसम इस वक्त बन रहा है, कभी कुछ दिन गर्म मौसम हो रहा है, फिर उसके बाद बारिश एकदम से हो रही है, तो ऐसे में जो मैदानी क्षेत्रों के जो टूरिस्ट है, बाहरी राज्य से टूरिस्ट है, वो पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो मनाली में 60-70% जो है वो ऑक्यूपेंसी रही थी। तो यानी कि जो पर्यटक है वो अभी से ही पहाड़ों का रुख करने जो है वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि ठंडक उन्हें यहाँ पर ज़रूर मिल रही है। तो देखिए मौसम में ज़रूर बदलाव आया है, लेकिन अगर हम 4 दिन की बात करें तो फिर से ये मौसम जो है वो ठंडा रहने वाला है। तो ये लाइव तस्वीरें और मैं आप तक साझा की है, और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा जो है वो लूँगी और मिलेंगे किसी और लाइन में। तब तक बने रहे पंजाब की सी टीवी के साथ, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।